दोस्तों आज मैं आप लोग को जेब्रोन एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग कोई अच्छा सा वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों इसे आप लोग ऑनलाइन में चेक करेंगे तो आपको 500 से कुछ ऊपर प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट प्राइस में इसको खरीदा है 400 रुपये में फ्लिपकार्ट से। तो मैंने इसका डिस्काउंट प्राइस बाय लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, आप लोग लिंक को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके बारे में पूरे विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका कवर को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा व्हाइट येलो कॉम्बिनेशन का आपको बॉक्स देखने के लिए मिलता है। तो जैसे आप लोग इसको धकेलेंगे तो आपके सामने ये निकल आएगा, देख लीजिए ये सिंपल सा है। और ऊपर देखिए जेब्रा का प्रिंटिंग है, जेब्रॉन एक नाम से ही जेब्रा आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए ये निकल गया और इसके अंदर आपको एक मैनुअल देखने के लिए मिलता है, देख लीजिए। तो इसको आपको पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं। तो देख लीजिए ये रहा मेरा ब्लूटूथ स्पीकर जेब्रोनिक। तो ये मेरे पास जो है ग्रे कलर का देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको ऑनलाइन में और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ग्रे। तो आपको जो कलर अच्छा लगता है आप लोग खरीद लीजिएगा। सारे ही स्पीकर के बाय लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दे दिया है, आप लोग लिंक को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेब्रोनिक्स। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके सारे फीचर्स और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉडी मटेरियल के बारे में। तो इसका दोस्तों बॉडी बना है प्लास्टिक का, देख लीजिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्डी बॉडी मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है। और इसका सामने का ये जाली देख रहे हैं आप लोग, ये बना है मेटल का, ठीक है, मेटल का जाली है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं ये है कुशन, ये रखने का कुशन है, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से कहीं पर रख सकते हैं, ठीक है, आसानी से गिरेगा नहीं, देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा कुशन है। तो इसका वेट भी बहुत ही अच्छा है, इसका वेट है 390 ग्राम। तो देख लीजिए दोस्तों इसका जो फुल बॉडी बना है बहुत ही अच्छा छोटा सा मिनी कॉम्पैक्ट हैंडली डिजाइन है, जिसके थ्रू आप लोग इसको पकड़ के कहीं पर भी इसको ले जाके कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं इसके सारे बटन्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर ऑन ऑफ करने का स्विच, जिसके थ्रू आप लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आप लोग इसको चालू करके दिखा दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब सेकंड में है देखिए ये रहा यूएसबी चार्जर कनेक्टर। तो इसमें आप लोग अपने स्मार्टफोन के चार्जर के थ्रू इसको चार्ज दे सकते हैं। दोस्तों इसको फुल चार्ज होने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लगता है, 4.5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक तो लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मिलता है एक तो नीचे देखिए पतला करके स्लॉट है, इसके अंदर आप लोग 32 GB तक का SD कार्ड को भर सकते हैं, भर के म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। और ऊपर देखिए एक USB सपोर्टिंग केबल है, कनेक्टर है, तो इसमें आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप को USB के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं, एक है मोड का बटन और माइनस प्लस और आगे धकेलने का बटन। तो इसके थ्रू आप लोग गाने का जो वॉल्यूम है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, इसके थ्रू आप लोग गाने के वॉल्यूम को कमा सकते हैं, इसके थ्रू आप लोग गाने को आगे पीछे धकेल सकते हैं। दोस्तों इसके थ्रू आप लोग कोई भी म्यूजिक को प्ले करके सुन सकते हैं, अपने FM रेडियो को भी आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं। और आपको इसमें कॉल का भी सपोर्टिंग देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग कॉल भी इसमें कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तो स्पीकर को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ को ऑन कर देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन करने के बाद इसके पीछे देखिए आपको एक बटन मिलता है, जो मैं आपको पहले बताया था, इसको ऑन कर दीजिएगा। Zebronics for life. देखिए ये ऑन हो गया है। अब इसके बाद आप लोग इसके अंदर जाएंगे, प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। फिर देखिए आपको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आगे देखिए जेब काउंटी, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर पेयर पे क्लिक करेंगे, देखिए कनेक्टेड हो गया है। अब आप लोग अपने स्मार्टफोन का कोई भी वीडियो हो, MP3 हो, इसको प्ले करेंगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको यूट्यूब पे जाता हूँ और इसको बजा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने तो बहुत ही आसान है इसको कनेक्ट करना।